एक दो बकरी हमारे यहाँ बच्चा भी देने वाली है, जैसे कि ये व्हाइट वाली जो आपको दिख रही है ये बच्चा देने वाली है, एक उधर जो ब्लैक और व्हाइट में है वो बच्चा देने वाली है, और एक और बर्बरी है वहाँ पे ये वाली, ये भी बच्चा देने वाली है कुछ। तो बहुत जगह पे ना बरसात के टाइम में ना चराई वाली बकरी को दिक्कत हो जाता है, बकरी चराई करने नहीं आ पाती है क्योंकि हर जगह पे पानी भर जाता है, तो बकरी का जो चराई का सुविधा रहता है वो खत्म हो जाता है। फिर दोस्तों ये तालाब में हेल के और मछली पकड़ रही है, मतलब तालाब का जो पानी है वो बहुत कम हो गया है, मतलब कुछ दिन 2-4-5 दिन के अंदर में ना इसमें से मछली निकाल लेना है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दोस्तों एक और नया वीडियो में। और बहुत दिन से हमारे चैनल पे ना लॉन्ग वीडियो नहीं आ रहा था, मतलब मेरे यहाँ कुछ ऐसा टॉपिक है नहीं दोस्तों कि डेली हम वीडियो अपलोड करें। लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट वीडियो हम डेली डाल देते हैं और लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पाते हैं। अभी फ़िलहाल बरसात का मौसम चल रहा है और हमारे यहाँ पूरा देख सकते हैं, पूरा इलाका हरा भरा जैसा हो गया है देख सकते हैं, और उतना दिक्कत नहीं आ रहा है जितना पहले दिक्कत आता था बकरी को चराई पे। अब तो भाई बकरी को 1 घंटे से 2 घंटे के अंदर ही बकरी का अच्छे से पेट भर जाता है। अभी हमने बकरी को लगभग 7 बजे खोला था और लगभग 8:30 अभी हो रहा है, सारी बकरी का पेट भर चुका है और इनको अभी लेके हम फार्म पे जा रहे हैं कि अपने साथ उधर लाली आई हुई है, बाकी उधर चिंकी घूम रही है, इधर से इनको हाँकते हैं और ले चलते हैं फार्म पे। और एक दो बकरी हमारे यहाँ बच्चा भी देने वाली है, जैसे कि ये व्हाइट वाली जो आपको दिख रही है ये बच्चा देने वाली है, एक उधर जो ब्लैक और व्हाइट में है वो बच्चा देने वाली है, और एक और बर्बरी है वहाँ पे ये वाली, ये भी बच्चा देने वाली है कुछ दिन के अंदर ही, ये बच्चा देने वाली है ये जो आपको दिख रही है, और ये व्हाइट वाली और वो ब्लैक वाली, ये तो 2-4-5 दिन के अंदर ही दे देगी। तो बहुत जगह पे ना बरसात के टाइम में ना चराई वाली बकरी को दिक्कत हो जाता है, बकरी चराई करने नहीं आ पाती है क्योंकि हर जगह पे पानी भर जाता है, तो बकरी का जो चराई का सुविधा रहता है वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ नदी है और नदी किनारे जो ही बलुआही मिट्टी है तो पानी पड़ता है बस तुरंत सूख जाता है, मतलब 10-15 मिनट के अंदर ही पानी ख़त्म हो जाता है, तो ये फ़ायदा है। और जो ये किधर गई वो व्हाइट वाली, वो लगभग 2-4 या 5 दिन के अंदर ही वो बच्चा देगी, और एक ब्लैक वाली है वो भी 2-4 दिन के अंदर ही बच्चा दे देगी। और तो आप एक बार कमेंट करके बताना कि आपको लॉन्ग वीडियो अगर चाहिए तो हम लॉन्ग वीडियो मतलब डालने का ट्राई करेंगे वापस से, जो हम नहीं डाल रहे थे। और तो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना कि आपको अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो हम डालेंगे वापस से। और फिलहाल मैं अभी सारी बकरी को लेके चल रहे हैं फार्म पे, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा हो गया है, और इनको अंदर करेंगे, बाकी पीने के लिए पानी देंगे, और अभी दाना वाना कुछ भी इनको नहीं दे रहे हैं फिलहाल। दोस्तों फिलहाल में देख सकते हैं सारी बकरी फार्म पे आ चुकी है, और जल्दी से गेट खोलते हैं, इनको अंदर करते हैं, बाकी पीने के लिए इनको पानी देंगे। और आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आज वाला टोटल जो दिन में काम करते हैं वो आपको हम दिखला देंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहें। तो अभी सारी बकरी को अंदर कर दिए हैं, गेट उट लगा दिया है, और देखें अभी एक पक्षी था, देखें बहुत क्यूट पक्षी है दोस्तों, और ये मरा हुआ है, यहीं गेट के बाहर पड़ा हुआ था, अभी मैंने देखा इसको, मर गया है बेचारा, पता नहीं कैसे, देखने बहुत खूबसूरत है दोस्तों, ये देख सकते हैं। फिर दोस्तों ये तालाब में हेल के और मछली पकड़ रही है, मतलब तालाब का जो पानी है वो बहुत कम हो गया है, मतलब कुछ दिन 2-4-5 दिन के अंदर में ना इसमें से मछली निकाल लेना है, तो इस वजह से इसमें हम पानी नहीं डाल रहे, जो पानी है उसी को धीरे धीरे कम हो जाए, फिर इसमें टोटल मछली निकाल के फिर से इसमें दूसरा मछली डालना है। देखो वो वही देख रहा है, मछली ही देख रहा है, कब हाथ लगे कि दूसरा मछली पकड़े। दोस्तों फिलहाल में शाम का 4 बज रहा है, और अभी वापस से सारी बकरी को चराई पे निकालना है शाम के टाइम में, और अभी गेट खोल दिए हैं, 4 बजे खोल देते हैं, लगभग 6 बजे 2 घंटे बाद इनको हम फिलहाल में अंदर कर देते हैं, इस वजह से अभी 4 बजे खोले हैं। देखिए अभी सारी बकरी निकल रही है, जो बची हुई है वो भी निकल जाएगी, फिर लेके चलेंगे, और बाकी डॉग भी साथ में जाता है, चारों डॉग अपने साथ, कुहू बगीरा चिंकी और लाली, और देखें इन लोग भी इधर रेडी है चारों लोग, और बगीरा और कुहू भी थोड़ा पहले से बड़ा हो गया है दोस्तों, थोड़ा तो दुबला पतला है क्योंकि अभी के टाइम में ना चिकन उतना देते नहीं है खाने के लिए, बस इस महीने के बाद मतलब अगले महीने से चिकन इनका स्टार्ट हो जाएगा, मतलब अच्छे से, तो फिर इनका अच्छा ग्रोथ होगा, चिकन अभी दे नहीं रही गर्मी की वजह से, दिक्कत होता है। डॉग कहाँ दौड़ रहा है, लील गाय वहाँ पर दिख गया है, उन लोग पे बस दौड़ा रहा है उनको, चारों डॉग चला गया है वहीं पर, और देखें एक इधर है, बाकी 3 उधर गए हुए हैं वहाँ पे। अरे तो फिलहाल में अभी सारी बकरी उधर से चढ़ते चढ़ते इस साइड आ गई है, और यहाँ से भी चढ़ते चढ़ते और आगे तक जाएगी उस साइड में, और बाकी अपने साथ डॉग भी है चारों इधर ही, और यहाँ देख लेते हैं आम वाम भी गिरता है दोस्तों, क्योंकि पका हुआ आम पेड़ के नीचे, थोड़ा बहुत ढूंढ लेते हैं, एक तो मिल जाए तो अच्छी बात है, बाकी देखे बकरी सारी निकल दी। सो मौसम थोड़ा बिगड़ चुका है देख सकते हैं, पूरा मौसम ख़राब वाला कर दिया है, उधर से पूरा एकदम बारिश जैसा है उस साइड से, और अभी बकरी सारी उस साइड भी चरने गई हुई है, तो जैसे ही बारिश स्टार्ट होगा बकरी ऑटोमेटिक भागना स्टार्ट कर देगी फार्म पे। अभी डॉग को लेके चल रहे हैं आम चुनने के लिए, एक दो आम गिरा है उधर पेड़ साइड, तो उधर जा रहे हैं। तो फिलहाल में अभी सारी बकरी को लेके चल रहे हैं फार्म साइड, मौसम बहुत बिगड़ चुका है, और देखे डॉग फिर से लीलगाय दौड़ाने चला गया, देखे उधर वहाँ पर नदी में लीलगाय दिख गया, उनको देखें चिंकी भी पीछे जा रही है, साथ में बघीरा भी गया,
अभी टोटल बकरी इधर भाग रही है, मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, देख ही सकते हैं आप सामने। दोस्तों अभी फिलहाल में सारी बकरी फार्म पे भाग गई है, और चिंकी, बघीरा और लाली तीनों इधर लीलगाय पे जो दौड़ी थी, तो कुहू उधर से गड़बड़ा गई, कुहू वापस आई नहीं, लगता है वो ऐसे दिखा नदी से घूम कर वो फार्म पे चली गई है। तो चलते हैं फार्म पे एक बार देख लेते हैं, नहीं तो फिर खोजना पड़ेगा। तो फिलहाल में सारी बकरी को अंदर कर दिए हैं, देख सकते हैं, और थोड़ा शाम जैसा हो गया है और बाहर बारिश हो रहा है, बिजली है नहीं, तो वीडियो अच्छे से आपको क्वालिटी नहीं दिख रहा होगा, लाइट नहीं दिख रहा होगा, और बकरी आराम से चर भी ली थी, अंदर हो चुकी है। और ये वाला वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे, आप कमेंट करके बताना आपको अगर डेली व्लॉग चाहिए तो हम ट्राई करेंगे वापस से डालने के लिए, आप कमेंट जरूर करना एक बार।